हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के क्या हालचाल चल रहे हैं, कैसे चल रहा है वो देख रहे हैं हम। वैसे भी अभी फ़िलहाल बताएं तो बहुत अच्छा था मोमेंटम, मतलब ये पूरा एक ज़बरदस्त रैली के बाद अब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, देख रहे हैं ये वाली रेंज जो है। अब इसमें दोस्तों ये बात कहने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ डेली चार्ट पे कि अभी फ़िलहाल में कोई पोजीशंस तो ना लें तो ज़्यादा ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये जो रेंज बनाया है अभी क्या है, ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ा क्राइसिस हैं, अप डाउन चल रहा है। तो अब जैसे देखिए, यहाँ पे मार्केट हाई लगाने के बाद कंसोलिडेट किया है, मार्केट फिर नीचे आया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा ना, डायरेक्टली मार्केट चढ़ा हुआ है, अब कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज में। तो अगर ब्रेक करता है मार्केट अपने रेंज को, इस रेंज को अगर मार्केट ब्रेक करता है अपसाइड में, तो अपसाइड में भी कम से कम 1000 पॉइंट के मोमेंटम बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। लेकिन इसके ऊपर ही ठीक है बाइंग पोजीशंस आप बनाएं, ठीक है, अगर पोजिशनल ट्रेड करना है तो भी इसके ऊपर क्लोजिंग हो तो ही ठीक है। लगभग 39,750 का है, लगभग आपको 39,800 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिले तो आप एक पोजिशनल ट्रेड के लिए लेके जा सकते हैं 4,250 और 40,450 के रेंज के लिए, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग एक मिलती है तो। अदरवाइज़ तो अगर आप एक अच्छा मोमेंटम देखें तो यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद मार्केट में क्राइसिस भी हैं और पोजीशंस भी हैं, तो अगर स्कोर ऑफ मार्केट होगा तो 36,500 या 36,000 के आसपास मार्केट आने के लिए आएगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा पोजिशनली ट्रेड पे थोड़ा ध्यान रखना है, और वैसे भी फ़िलहाल में तो मार्केट काफ़ी वोलेटाइल हो रहा है, ठीक है। कभी कभी तो सीधा 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट का मोमेंटम होता है, जैसे अब हम आपको इंट्राडे में आके देने लेके आते हैं, तो इंट्राडे के लिए हम आते हैं आपको लेके 15 मिनट के चार्ट में, ठीक है। अब दोस्तों क्या हो रहा है कि अभी कंसोलिडेशन देखेंगे तो किसी किसी डे में ऐसा हो जा रहा है कि 1000 पॉइंट 700 800 ऐसे मोमेंटम दे दे रहा है, और किसी किसी दिन एक रेंज में ही मार्केट फंसा रह जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये मार्केट एक ज़बरदस्त मोमेंटम करने के बाद गिरा, गैप डाउन होकर एक रेंज में फंसा रहेगा, फिर उसके बाद 1200 पॉइंट का एक ही दिन में मूव दिया, फिर से डाउन ट्रेंड में आया, फिर मार्केट नीचे से भी ऊपर गया, फिर वहाँ से भी नीचे आया, ठीक है। तो मार्केट ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी अभी देखने को मिल रही है। तो आज मार्केट ने फिर से एक साइडवेज रेंज में मार्केट ने निकाला है। अगर डाउन साइड मोमेंटम आएगा तो आपको फिर से ये एक मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, बट मार्केट कभी कॉपी नहीं करता, क्योंकि कॉपी करेगा तो हमेशा ज़्यादातर लोगों को प्रॉफिट होने के चांसेस बनते हैं। मार्केट हमारे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा उल्टा ही काम करता है, तो हम थोड़ा सा सेफली ट्रेड करेंगे। और अगर सेफली ट्रेड में देखिए, मज़ा तो तब आ जाएगा जैसे कि अगर ये सेम टाइप में बना है, फर्स्टली अगर गैप डाउन होता है इस रेंज पे, और अगर फर्स्ट बुलिश कैंडल जैसे ये पहली कैंडल है ऐसी कोई कैंडल बनती है तो हम अपसाइड मोमेंटम में लेके जा सकते हैं। बट अगर फर्स्ट कैंडल 300-400 पॉइंट के ऊपर हो जाए तो फिर आप उसको अवॉइड करें, ठीक है। सेकेंड क्या है कि अगर मार्केट ज़्यादा ही गैप डाउन हो जाता है, मतलब इस रेंज के आसपास, ठीक है, 38,850 या 800 के आसपास में, इसके आसपास में अगर कहीं मार्केट गैप डाउन होता है, गैप डाउन होने के बाद मार्केट नीचे ना आया, अगर नीचे आया तो ये एक सपोर्ट तो बहुत अच्छा ही है जो 550 का है, वहाँ से आया तो वहाँ से बुलिश मोमेंटम तो आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा। बट अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप डाउन होगा तो मार्केट यहीं से रिवर्सल करेगा, तो फर्स्ट कैंडल के ऊपर में ही हमारी बाइंग रहेगी अगर गैप डाउन होता है मार्केट तो, क्योंकि SL भी आपको यहीं पे मिलेंगे, क्योंकि मार्केट और कहीं तो रहा ही नहीं है, पूरे दिन में वहीं पे निकाला है। बट अगर ऐसा हो जाता है कि मार्केट अगर ऐसा कर दे कहीं कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग कर दे, फ्लैट ओपनिंग मतलब ये रेंज में कहीं ओपन हो जाए, मतलब जो कैंडल में भी मार्केट ने क्रॉस किया है, मान लीजिए 550 से ये 300, ठीक है, मतलब ये भी 200 बहुत बड़ा रेंज है, बट फिर भी अगर इसके कहीं बीच में अगर ओपन हो जाता है तो मार्केट को हम इस सपोर्ट को लेने देंगे जो कि कल मार्केट ने काफ़ी अच्छे से होल्ड किया था, ठीक है। अदरवाइज़ तो इसको लेने देंगे, अगर आपको इसको ब्रेक करता है तो यहाँ के लिए पुट साइड में जा सकते हैं अगर होता है तो। अदरवाइज़ तो ये जब जो ये होल्डिंग्स हैं ना, अगर मार्केट कहीं इसके ऊपर में कंसोलिडेट के यहाँ से ब्रेक करेगा तो फर्स्ट रेंज, और अगर इसको ब्रेक करेगा
तब तो आपको 100 से 200 पॉइंट बहुत तेज़ी से मोमेंटम आपको मिलने वाले हैं। तो सो आप लोगों को थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। और एक चीज़ अगर मान लीजिए कि मार्केट कहीं गैप अप, ये देखिए इसका ये हाई है, मार्केट ने ये इसका हाई बनाया अभी 2 डेज़ में, ठीक है, जो कि अराउंड 680-690 या 700 के आसपास में है। तो यहाँ पे मार्केट अगर डायरेक्टली गैप अप होता है या इसके ऊपर कहीं होता है, तो अगर यहाँ से नीचे आता है तो पुट साइड में भी पोजीशन बना सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से ऊपर जाता है तो हम कॉल साइड में पोजीशंस बना सकते हैं ऊपर के कॉल के लिए। बट ये रेंज काफ़ी मायने रखेगा, इसको बहुत तेज से होल्ड कर रहा है मार्केट, और इसके इसको होल्ड करेगा तो 150 या फिर 200 पॉइंट्स तो हमको बहुत तेज़ी से मिलने वाले हैं। सो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ पर। थैंक यू दोस्तों, हैव अ सेफ ट्रेड एंड सर्च।